हेलो एवरीवन, एटीएम शेस पर आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बहुत ही हेल्दी, एकदम कम तेल में बना लेकिन स्वाद में एकदम स्वादिष्ट सुबह का नाश्ता। ये एकदम बहुत ही जल्दी से आसानी से बन जाता है और बहुत ही कम चीज़ों की इसमें ज़रूरत होती है, तो सुबह के टाइम पर ब्रेकफास्ट बनाने में काफ़ी कम टाइम मिलता है और झटपट से कुछ बनाना हो तो ये आप ज़रूर से घर पर बनाएं। स्वाद इसका बहुत ही अच्छा लगता है और इसे आप बच्चों के टिफिन में भी दे सकते हैं। इसका स्वाद खट्टे मीठे रायते के साथ खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। और तो चलिए झटपट से तवे पर हम इस चटपटे और हेल्दी नाश्ते को बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 1.5 कप यानी कि 1.5 कप सेमोलिना लिया है। ये थोड़ा सा मोटा वाला रवा है, सूजी है ये, और 1.5 कप है ये। इसमें हम मिलाएंगे 1/2 कप दही। तो जिस कप से सूजी ली है उसी कप से हम दही लेंगे 1/2 कप। मैंने जो दही ली है ये थोड़ी सी खट्टी है और गाढ़ी दही है, इसलिए मैंने 1/2 कप ली है। अगर दही एकदम फ्रेश है तो फिर 3/4 कप दही का इसमें इस्तेमाल करना होगा। अब इसी कप से मैंने इसमें 1/2 कप पानी डाल दिया है और अच्छे से इन सभी चीज़ों को हम मिला लेंगे। तो अभी 1/2 कप पानी मैं और डाल रही हूँ इसमें, तो लगभग अभी मैंने 1 कप पानी इसमें मिला लिया है। अब इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिलाएंगे, किसी भी तरह की कोई गुठलियाँ इसमें नहीं होनी चाहिए और दही और सूजी अच्छे से मिक्स हो जाने चाहिए। तो ये देखिए, मैंने सूजी, दही और पानी को अच्छे से फेंट लिया है और ये हमारा बैटर तैयार है। तो अब हम इसे ढक्कन से कवर करके 1/2 घंटे के लिए साइड में रख देंगे ताकि सूजी सॉफ्ट हो जाए और फूल जाए। तो ढक्कन से कवर कर देंगे इसे और 25 से 30 मिनट के लिए सेट होने देंगे इसे। 1/2 घंटे के इस रेस्ट में सूजी पानी को अब्जॉर्ब कर लेती है और ये फूल जाती है। तो ये देखिए, पानी अच्छे से इसका सूख चुका है, सूजी फूल चुकी है। तो अभी इसमें थोड़ा सा पानी हमें और मिलाना होगा। तो ये 1/2 कप पानी मैंने इसमें और मिलाया है और अच्छे से इसे फेंट लेंगे। और इसका हमें बैटर तैयार करना है जो कि ना तो ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए और ना ही पतला होना चाहिए। तो ये देखिए, इस तरह से हमें इसका बैटर तैयार करना है। पानी थोड़ा सा कम या ज़्यादा हो सकता है, ध्यान से इसमें पानी मिलाना है। अब इसमें मैं मिला रही हूँ 1 टीस्पून जीरा और 1 टीस्पून या 1/2 टीस्पून इसमें हम मिला लेंगे रेड चिली फ्लेक्स। यहाँ पर लाल मिर्च का पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसके बिना भी बना सकते हैं। और फिर इसमें मैं मिला रही हूँ 1 टीस्पून गर्म मसाला पाउडर जो कि इसे बहुत ही स्ट्रॉन्ग और मसालेदार फ्लेवर देगा। इसके बाद ये 1 टेबल स्पून मैंने अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट मिलाया है। 2 हरी मिर्च और 1 इंच का अदरक मैंने क्रश कर लिया है, उसे मैंने मिलाया है। अब इसमें हम डालेंगे 2 उबले हुए आलू। तो ये 2 बड़े साइज के आलू थे जो कि उबले हुए हैं और आलू को मैंने कद्दूकस करके इसमें मिलाया है। आलू मैश करके इसमें नहीं मिलाएंगे, नहीं तो आलू के टुकड़े अच्छे नहीं लगेंगे और सही से ये बन नहीं पाएंगे। तो एकदम अच्छे से कद्दूकस करके आलू इसमें मिलाएंगे और बस अब इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से सभी चीज़ें एक दूसरे से मिल जानी चाहिए। अब इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ मिलाएंगे जो कि है नमक। तो ये 1 टीस्पून के करीब नमक इसमें मिला रही हूँ मैं, आप आपके स्वाद के अनुसार नमक मिला सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें घर पर हर समय रहती है तो कुछ भी बाहर से स्पेशली लाने की ज़रूरत नहीं होती है। और ये देखिए, बैटर इस तरह का तैयार हुआ है। तो अब ये जो हमारा नाश्ता है एकदम फ्लफी, सॉफ्ट और स्पंजी बने, इसके लिए इसमें हम मिलाएंगे 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा, ये खाने वाला सोडा भी हम कहते हैं इसे। तो ये 1/2 टीस्पून मिलाएंगे और अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे इस पूरे बैटर में। तो हमारी सभी चीज़ें इस बैटर में जा चुकी है और हमारा बैटर अब हमारा नाश्ता तैयार करने के लिए अच्छे से बन चुका है। और इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह की होनी चाहिए, ना तो ये बहुत पतला होना चाहिए ना ही एकदम गाढ़ा होना चाहिए। तो चलिए अब गैस पर तवा गर्म होने के लिए रख देते हैं। तो यहाँ पर मैंने स्लो से थोड़ी सी ज़्यादा आंच पर, मीडियम स्लो आंच पर तवे को गर्म होने के लिए रखा है, जिस पर हम थोड़ा सा तेल डालकर गर्म करेंगे। तो ये मैंने पूरे तवे पर तेल को फैला लिया है और इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी राई, जितना आपको पसंद है उतनी राई इस तेल में हम डालेंगे। तो हम हमारा नाश्ता तड़का फ्राई करके बनाएंगे जिससे कि खाने में वो बहुत ही अच्छा लगेगा। आप चाहें तो सिंपल नाश्ते को सिर्फ शैलो फ्राई कर सकते हैं। तो राई के बाद इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़े से ये सफ़ेद वाले तिल, ये देखिए। फिर इस पूरे तड़के को हमें तवे पर इस तरह से फैला देना है और अब एक एक चम्मच करके हम ये हमारा सूजी आलू का बैटर इस पर डालेंगे इस तरह से पेनकेक की तरह। तो आप छोटे या बड़ी साइज में इसे बना सकते हैं, मैं इसे मीडियम साइज में बना रही हूँ। और कुछ नहीं करना है हमें, सिंपली इस तड़के पर हमारा ये बैटर बस डाल देना है और जितना इसे फैलना है ये फैल जाएगा अपने आप ही, देखिए इस तरह से। और अब हम इसे
मीडियम स्लो आंच पर इसी तरह से पकने देंगे। जब ये थोड़ा सा नीचे की तरफ से पक जाएगा तब हम इसे फ्लिप करेंगे, तब हम इसे पलटेंगे। तो ये देखिए थोड़ी ही देर में देखने से ही पता चल रहा है कि ये हाफ कुक हो चुके हैं, और जब ये नीचे से अच्छे से पक जाएंगे तो ये काफ़ी इजीली अच्छे से हम इसे हैंडल कर पाएंगे। तो ये देखिए काफ़ी अच्छा सा कलर आया है इस पर, और इसी तरह से हम इसे पलट लेंगे और दूसरी साइड से भी 2 से 3 मिनट के लिए हम इसे इसी तरह से कुक होने देंगे। तो इनका जो कुकिंग टाइम है वो सिर्फ 5 से 6 मिनट का है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इन्हें पकने में, क्योंकि इसमें सूजी है, सूजी झटपट से पक जाती है, और आलू उबले हुए हैं तो वो भी टाइम नहीं लेंगे पकने में। तो ये अच्छे से दोनों साइड से सिक चुका है, और अब ये जो थोड़ा बहुत तड़का इस तवे पर है इसी में हम थोड़ा सा तेल डालेंगे, ज़्यादा तेल नहीं डालना है, थोड़ा सा डालना है ये देखिए। और इसमें फिर से हम थोड़े थोड़े से राई और सफ़ेद तिल डाल देते हैं। आपको जितना पसंद है उतना आप इस्तेमाल कर सकते हैं ये तड़के को, और अगर आपको पसंद नहीं है तो आप बिना तड़के के बना सकते हैं, लेकिन ये जो राई और सफ़ेद तिल है ये थोड़े से क्रंची हो जाते हैं जो कि खाते टाइम पर बहुत अच्छे लगते हैं। तो बिल्कुल इस तरह से ही हमें तवे पर इस पूरे तड़के को फैलाना है ताकि सभी पैनकेक पर अच्छे से स्वाद का तड़का लग जाए। अब बिल्कुल पहले की तरह हम अपने ये बचे हुए बैटर से ये सारे सूजी आलू के तड़का फ्राई वाले पैनकेक बनाकर तैयार करेंगे। तो इसे हम नमकीन सूजी आलू के तवा केक भी कह सकते हैं क्योंकि हम इसे तवे पर बना रहे हैं। तो मर्जी आपकी है, अगर आप चाहें तो इसे तड़का फ्राई वाले सूजी आलू के चीले भी कह सकते हैं। तो नाम कुछ भी दे, स्वाद इसका टेस्टी है और खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं, और हेल्थी भी है क्योंकि कम तेल में बन रहे हैं और झटपट से बन रहे हैं। तो ये भी अब दोनों साइड से अच्छे से सिक चुके हैं, तो बस अब हम इन्हें गर्मा गर्म प्लेट में सर्व कर लेंगे। खाने के लिए तैयार है ये हमारा नाश्ता। इस तरह से ये हमारा बहुत ही हेल्दी और चटपटा सा नाश्ता बनकर तैयार है खाने के लिए, जो कि एकदम परफेक्ट ब्रेकफास्ट है। तो आप भी इसे बनाइए, खाइए और सबको खिलाइए, सबको ये बहुत पसंद आएंगे। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल ईडी अमीशस को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और नई रेसिपीज़ के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। हम नेक्स्ट रेसिपी के साथ जल्दी मिलते हैं। टिल देन एंजॉय दिस सूजी आलू के तड़का फ्राई पैनकेक्स, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग ईडी अमीशस।